हाय फ्रेंड, मास ढाबा में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कटहल के कोफ्ते, जैकफ्रूट के कोफ्ते। जैकफ्रूट के कोफ्ते के लिए हमने क्या किया है, कटहल को छील लिया है, जैकफ्रूट लिया है, उसको छील लिया है और उसको पील करने के बाद उसको हमने बॉईल कर लिया। ये देखिए, आप कुकर में इसे एक सीटी दिलवाकर बॉईल कर दीजिए। ये देखिए बिल्कुल पक जानी चाहिए। जब मैं इसे तोड़ रही हूँ तो ये आराम से टूट रहा है। और इसके साथ साथ ये मैंने 400 ग्राम कटहल लिया है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। और इसके साथ मैंने इस तरह से स्मॉल साइज के 5 पोटैटोज लिए हैं, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा कटहल है इसको इस तरीके से आप मैश करिए। खूब बढ़िया से इसको मैश करेंगे, हम अपनी हथेली से दबा दबा कर इसको मैश करें। खूब अच्छी तरीके से इसको मैश करें। इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 5 मिनट्स इट विल टेक। और इसमें जो बीज हैं कटहल के, जैसे ये बीज दिख रहे हैं आपको, इन सीड्स को आप निकाल कर साइड में रख दें। इसको हम नहीं इसमें यूज करेंगे क्योंकि ये दिक्कत करेगी आपको। ये देखिए जो बीज आ रहे हैं, ये देखिए बीज, इन बीज को आप निकालते चले जाइए। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे बीज कटहल के, ये देखिए सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं और इसको मैंने बहुत बढ़िया से मैश कर दिया है। अब हम इसमें एक एक करके आलू डालते जाएंगे और इसको मैश करेंगे। इसके अंदर आप चाहें तो इस आलू को कद्दूकस भी कर सकते हैं या आप अपने हाथों से भी मैश कर सकते हैं। पोटैटोज, जो बॉयल पोटैटोज हैं, इनका इसमें जाना बहुत जरूरी है क्योंकि कोफ्ते बनाने के समय ये बाइंड करेगी हमारे कोफ्तों को। इस तरीके से ये सारे के सारे आलू हम इसमें मैश कर देंगे। इस तरीके से सारे के सारे आलू इसमें जो है, देखिए कितना बढ़िया सा डो बन गया हमारा, बहुत बढ़िया सा डो बन गया हमारा। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, तो एक एक करके इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूं हल्दी पाउडर, मिर्च स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 गरम मसाला, 1/2 स्पून जीरा पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 स्पून। इनको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से देखिए खूब बढ़िया से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और अब डालेंगे इसका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, और वो है हमारा ग्राउंड फ्लोर बेसन। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, बहुत ज्यादा बेसन नहीं डालेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे। और इसे धीरे धीरे करके आराम आराम से इसका डो बनाएंगे और ध्यान रखेंगे कि लंप बिल्कुल ना आने पाए, लंप्स ना आए इसमें। तो आप इसको हाथों से खूब बढ़िया से मसलेंगे, मसल मसल कर आप इसका बढ़िया सा डो बनाएंगे इस तरीके से। अब ये देखिए हमारा बढ़िया सा डो तैयार हो गया है। अब हथेली पे थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर इसका हम क्या करेंगे, छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, कोफ्ते बना लेंगे। अब कोफ्ते आप जिस साइज के चाहें उस साइज के बना सकते हैं और जिस शेप के चाहें आप उस शेप के बना सकते हैं। तो मैं गोल बना रही हूं, आप चाहें तो लंबा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम कोफ्ते बना बनाकर हल्का सा हथेली में तेल लगा लें और कोफ्ते को बना बनाकर रखते चले जाएं एक प्लेट में। अब ये जो मेरा मटेरियल है इससे करीबन मेरे 20 कोफ्ते बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये देखिए सारे कोफ्ते बना लेंगे। और जब ये सारे कोफ्ते बन जाएं तब हम इसको करीबन 15 मिनट तक फ्रिज में डाल के रखेंगे। डीप फ्रीजर में नहीं रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे कि ये थोड़े टाइट हो जाएं। और उसके बाद हम इसको जो है वो करेंगे डीप फ्राई। तो ये देखिए मेरे सारे कोफ्ते तैयार हैं, 20 से ज्यादा बन चुके हैं। आप चाहो तो इसके साइज बड़े और छोटे और इसका शेप अपने अनुसार कर सकते हो। अब ये इसको मैं करीबन 15 मिनट तक रखूंगी फ्रिज में और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ जब इसको करेंगे फ्राई।
चलिए हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में देखिए मैंने सरसों तेल गरम कर रखा है, आप चाहें तो कोई भी रिफाइन ऑयल वगैरह डाल सकते हैं, मैं सरसों तेल का यूज करती हूँ। इसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज को मैंने लंबा लंबा काट रखा है, प्याज को हम भूनेंगे। प्याज भूनते समय अगर आप थोड़ा नमक डाल दें तो प्याज जल्दी भून जाती है और कलर भी बढ़िया आता है। और दूसरे साइड हम इसे तल लेते हैं, जो मैंने कोफ्ते बनाए थे, ये देखिए जो कोफ्ते बनाए थे, ये 15 मिनट हो गए, मैंने फ्रिज से निकाल लिया है इसे, अब हम इसे तल लेंगे। बहुत ज्यादा ना डालें, ये चिपक भी सकते हैं आपस में। तो दोनों साइड में वर्क कर रही हूँ तो हमारे कोफ्ते फटाफट हो जाएंगे। देखिए ये 200% गारंटी है कि ये कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे, जैसे मेरे घर पे बन रहे हैं वैसे आपके घर पे बनेंगे। तो आप वीडियो स्टार्ट करते समय भी आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए इस साइड दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए कितने बढ़िया बन रहे हैं ये कोफ्ते मेरे, ये देखिए बिल्कुल टूट नहीं रहे, कलर भी बहुत बढ़िया आ रहा है। इसे हम फुल फ्लेम पे तल रहे हैं, फ्लेम जो हमारा है गैस पे वो फुल है, और प्याज भी हम फुल फ्लेम पे भून रहे हैं, जो प्याज है इसे भी हम फुल फ्लेम पे भून रहे हैं। अभी कोफ्ते और रेड होंगे। देखिए कोफ्ते में तो कुछ पकाना था नहीं हमें, बस बेसन को ही पकाना हो था, बाकी तो आलू हमारी बॉयल थी और जो जैकफ्रूट है हमारा वो भी बॉयल था। तो 1 मिनट और हमारे कोफ्ते में होने वाले हैं। एक बैच आपको कोफ्ता दिखा दूं मैं, फिर नेक्स्ट बैचेस मैं खुद बना लूंगी बाद में। सी अनियन इज गेटिंग रेड नाउ, द कलर इज चेंजिंग, बट स्टिल आई विल फ्राई मोर देन फॉर आई थिंक 1 or 2 मिनट मोर। आइए कोफ्ते के पास, चेक द कोफ्ता, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन कलर, यम्मी। अभी हम इसको और 30 सेकेंड और इसको करेंगे हम। जैसे मेरे घर पे ये कोफ्ते बन रहे हैं वैसे ही आपके पास भी बनेंगे, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो एडिटेड नहीं होती, जैसे यहां दिख रहे हैं वैसे ही आपके यहां भी दिखेंगे। अभी अनियन और भुनेगा मेरा, 1 more minute। अब हम कोफ्ते को निकाल लेंगे। ये जो कोफ्ता है, फर्स्ट बैच कोफ्ता इज रेडी। तो इन कोफ्तों को गैस को स्लो किया और कोफ्तों को एक एक करके आप निकाल लें। अच्छा ये जो कोफ्ते हैं ना, ये तेल अब्सॉर्ब नहीं करते ज्यादा, कटहल के कोफ्ते तेल नहीं एब्जॉर्ब करते ज्यादा, तो टेंशन की कोई बात नहीं। अभी हम इसको भूनेंगे। ये प्याज मेरी भुन गई है, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। कोफ्तों में लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज्यादा ही डाला जाता है, और कटहल की सब्जी में या कटहल के कोफ्ते में लहसुन अदरक का पेस्ट अगर आप ज्यादा डालेंगे तो स्वाद बढ़िया बनता है। तो इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब देखिए दूसरा बैच की कोफ्ता मैंने डाल रखा है कढ़ाई में, ये सेकेंड बैच ऑफ कोफ्ता है, साइड बाई साइड इसे भी हम वो कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। तो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है इसको 1 मिनट तक भूनेंगे, और उसके बाद हम सारे मसाले इसमें डालेंगे। आप चाहें तो ये जो प्याज है भुनने के बाद आप इसको मिक्सी में रोटेट भी कर सकते हैं, ग्रेवी बिल्कुल फाइन बनेगी, और चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो मैं इसको जब ये भुन जाएगी बढ़िया से ठंडा करके, मैं इसे मिक्सी में एक बार रोटेट करूंगी ग्राइंडर में।
अब ये हमारा जो पेस्ट डाला था लहसुन और अदरक का, ये बिल्कुल भुन चुका है। अब हम करेंगे गैस को ऑफ और हम देंगे इसे ठंडा होने। ठंडा होने के बाद हम इसका बनाएंगे ग्राइंडर में पेस्ट। अब देखिए, आप इधर देख सकते हैं कि कढ़ाई के साइड में मैंने ये जो प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट भुना था वो दबा दबा कर इधर साइड में कर दिया है, और इसी में से ये तेल जो है, आप देखें, जूम करके दिखा रही हूँ आपको, ये तेल कढ़ाई में आ गया है। तो हम दोबारा कोई तेल यूज नहीं करेंगे, जो प्याज हमारी तेल छोड़ेगी उसी तेल में हम वापस से जो है वो बाकी फिर से मसाले भूनेंगे। तो ये हमारा ठंडा हो गया था, देखिए इसको मैं जार में डाल रही हूँ और इसको मैं रोटेट करूंगी। देखिए ये जार में पूरा मसाला डाल दिया है, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये देखिए ये पेस्ट मेरा तैयार हो चुका है। अब आइए कढ़ाई के पास। कढ़ाई में तेल मैंने वापस नहीं डाला है, वही तेल है। इसमें मैं एक बे लीफ डालूंगी और चेक भी कर लेंगी। हाँ, तेल गर्म हो चुका है। और ये जो मसाले पीसे हैं मैंने, ये मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। फ्लेम को स्लो कर दें, क्योंकि मसालों को अगर हम तेज फ्लेम पे भूनेंगे तो उसका कलर जो है वो उड़ जाता है, चला जाता है। पानी मिलाकर हम इसमें डाल दें। पानी मैंने इसमें मिलाया क्योंकि दूसरे मसाले भी डालूंगी मैं, तो इसीलिए मैंने पानी मिला दिया। और अब हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले। इसमें मैं डालूंगी हल्दी पाउडर 1 चम्मच, मिर्च स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। कटहल की सब्जी में हींग जरूर डालना चाहिए, उससे क्या होता है कि ये डाइजेशन बढ़िया से करती है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक ध्यान से डालें क्योंकि कोफ्ते में भी नमक हमने डाला हुआ था, तो नमक स्वाद के अनुसार डालें। और अब कलर बढ़िया आए इसका, इसलिए मैं डालूंगी इसमें देगी मिर्च। क्योंकि मिर्च जो मैंने डाला है वो काफी तीखी है, वो मैं ज्यादा डाल नहीं सकती, तो कलर के लिए मैं 1/2 स्पून डाल रही हूँ देगी मिर्च। अब इसे आप भूनते रहें जब तक कि कढ़ाई तेल ना छोड़ दे। साथ में आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए इस कढ़ाई को, कोफ्ते तलने के बाद भी तेल हमारी वैसी की वैसी है। बहुत स्लाइट तेल यूज होता है कटहल के कोफ्ते को तलने के लिए, तो तेल की कोई इश्यू है नहीं, कि आपको ऐसा ना लगे कि बहुत ऑयली है वेजिटेबल। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे मसाले भुन रहे हैं, तो मसाले भुनने में करीबन मुझे लगेगा 3 से 4 मिनट। देखिए ये मसाले हमारे भुन चुके हैं बहुत बढ़िया, और मिर्च तीखी है तो थोड़ी सी मुझे खांसी भी आती है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, आपको ग्रेवी थिक चाहिए या थिन चाहिए। चावल में खाना चाहते हैं तो पानी ज्यादा डाल दें, रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो पानी जो है वो कम डालें। तो ये गैस फुल फ्लेम पे है और मैंने 2 बड़े कप से पानी डाला है, और हम इसे एक बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आएगा तब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। देखिए बॉयल आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर। कोफ्तों को इसमें डालकर आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो गल जाएंगे। तो जब आप खाना खाने की शुरुआत करें, जब आप खाना खाने जाएं, उस वक्त आप इसमें कोफ्ते डाल करके और गरम कर लेंगे। अभी अगर कोफ्ते डाल के छोड़ देंगे तब जो है ये बिल्कुल गल जाएंगे। ये कोफ्ते मेरे रेडी हैं, इन कोफ्तों को इसमें डाल दीजिए जब आप खाना चाहें। ये मैं आपको 2 डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से कोफ्तों को डाल दीजिए। ये देखिए सारे कोफ्ते मैं नहीं डाल रही क्योंकि मुझे अभी खाना नहीं खाना, तो ये गल जाएंगे। कोफ्तों को डालकर करीबन आप इसमें 1 मिनट तक बॉईल कर दीजिए, और बॉईल करके फिर हम इसे निकालेंगे।
अब देखिए ये कोफ्ते मेरे तैयार हैं, इसको मैं सर्व करती हूँ। ये देखिए बहुत बढ़िया कलर भी काफी बढ़िया आ रहा है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट कोफ्ते हैं मेरे। ये देखिए बहुत आराम से इसे आप गार्निश कर दीजिए धनिया पत्ती से, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये है हमारा जैक फ्रूट और कटहल, जिसे कटहल भी बोलते हैं, का कोफ्ता। इसमें मैंने टमाटर नहीं डाला है क्योंकि जैक फ्रूट में टमाटर का टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आता है। बट इफ यू वांट टू ऐड टोमेटो एंड इफ यू लाइक टोमेटो यू कैन ऐड इट, आप डाल सकते हैं टोमेटो इसमें। अगर आपके पास किचन किंग मसाला है तो आप किचन किंग मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। जब सारे सूखे मसाले डाले गए थे उस समय आप किचन किंग मसाला भी डाल करके थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं। चूंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी सामान की दिक्कत हो रही है तो मेरे पास किचन किंग मसाला नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 लाइक और शेयर करना ना भूलें। ममाज ढाबा को सब्सक्राइब तुरंत करें, गारंटी है कि ये ऐसी ही बनेगी आपके घर में भी और बहुत बहुत टेस्टी ये कोफ्ता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें ममाज ढाबा को। धन्यवाद ममाज ढाबा की तरफ से।